और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के क्षेत्र की करेंगे। सरकार बेहतर शिक्षा के दावे कर रही है, प्राइवेट की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को भी मॉडल बनाने में जुटी है। पर गरियाबंद में एक ऐसा स्कूल भी है जो पिछले 5 साल से चंदे के सहारे चल रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मिट्टी और कबेलू से तैयार ये कच्चा मकान दिखने में भले ही सामान्य झोपड़ी लग रहा होगा, पर ये मैनपुर के बीहड़ जंगल में बसा गांव इचिरादी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा का मंदिर है। इस गांव की आबादी 150 की है, जहां पर 32 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार मांग के बाद भी जब स्कूल नहीं खुला तो ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर मिट्टी का कच्चा मकान तैयार किया। प्रति महीने पढ़ाने वाले गुरुजी भी उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, जिसे प्रति महीना चंदे से ही मेहनताना दिया जाता है। कैसा स्कूल का संचालन कर रहे हैं और कैसा अभी इसको चला रहे हैं? यहाँ गांव के वाले सब सरकार बात लड़ते लड़ते तो कोई सरकार हमन मतलब नहीं जानते, तब वक्त बाद में हम गांव वाले मन बनाए हैं स्कूल। टिन्ना सब अगर इट्टा इटी सब मारे हैं साहब जी, तो वहाँ अगर कारण से सरकार से जाए था तो कोई नहीं मिलते, तो मिल नहीं करते। गांव वाले एक जन लड़का लग पढ़ी से आए तो बोला शिक्षित हो जाए करके बच्चे का जे जन सेवा हमन मन करते हैं। कितना साल से चला यहाँ? 3 साल के हो गए हैं सर। 3 साल से ऐसे चला? हाँ ऐसे चला थे। कितना बच्चे हैं? बच्चे 46 रहे थे। ये स्कूल कब से आप लोग चला रहे हो और स्कूल का भवन कैसे तैयार किए, क्या क्या कैसे बनाए? स्कूल हमन मान पहली जाके मुख्यमंत्री तक लेके वन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वहाँ जाके आरबीसी खोली। आरबीसी खोल के 3 साल चले आरबीसी स्कूल, ओकर बाद सब सामान मिल के ओकर बाद बंद कर दे रही। बंद करने के बाद फिर गांव वाला हमार सब गांव वाला बस्ती के सब आदमी होके फिर ये करके स्कूल कैसे छोड़ देबो कह के जबरदस्ती करके आए के हमार मान तुरंत ही स्कूल बनाए हन। अपने मेहनत में बनाए के गांव गांव के लड़का मन कोई पढ़ी नहीं हमार गांव के बाहर जाके वही लड़का मन ला फिर यहाँ पढ़ाओ और लड़का बच्चे मन ला शिक्षित करो। कोई दिन में तो बन ही है कि हमार मन जबरदस्ती में मतलब गाँव ला आगे बढ़े ला कोशिश करे हैं। ये गांव साइबिन कछार पंचायत के अधीन आता है जो 3 किलोमीटर दूरी पर है। गांव से पंचायत मुख्यालय जाने के लिए भी पगडंडी का सहारा लेना होता है। जंगली जानवरों से खतरा होने के कारण अभिभावक अपने मासूमों को दूर भेजना नहीं चाहते थे। 5 साल पहले हर उस सरकारी चौखट तक ग्रामीण पहुंचे जहां से उन्हें स्कूल खोलने का भरोसा था। मांगे पूरी नहीं होते देख ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि इन बच्चों के नाम पंचायत मुख्यालय में दर्ज स्कूल में कराया गया है, पर पढ़ाई का काम चंदे के गुरुजी चंदे से तैयार भवन में करवा रहे हैं। कब से यहाँ पढ़ा रहे हो और बच्चों को पढ़ाते हो, क्या मेहनताना मिलता है, क्या है बताओ? यहाँ से जब से यहाँ स्कूल बना हुआ है ना, गांव वाले चांदा करके स्कूल बनाए हैं, तब से यहाँ मेरे को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे को यहाँ बच्चों को पढ़ाने से शिक्षित मिलता है और जनसंख्या भी मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाने के लिए रुचि हूँ। बच्चे को पढ़ाते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे लोग, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, बहुत मेरे को भी रुचि मिलता है पढ़ाने में यहाँ स्कूल में। तो ये बच्चे को पढ़ाते हैं तो इसके बदले क्या देते हैं आपको, स्वेच्छा से पढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरे गांव वाले बोले हैं तो आप बोले कि मेरे को अब तो यहाँ स्कूल खुल गए, सर लोग भी नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ थोड़े थोड़े करके पढ़ाते जाओ, तो मेरे को मैं बोले ठीक है तो मैं पढ़ा रहा हूँ गांव में, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है गांव तरफ से, तो मैं बोले सरकार को कुछ दिन बोलेंगे तो मिल जाएगा तो मिलेगा कुछ भी, ऐसे बोल के बोले, तो बोले गाँव वाले ठीक है आप करते रहो, आपका सेवा करते रहो। ठीक है, मैं बोला जन सेवा करता ही रहूँगा, मेरे गाँव के बच्चे को थोड़ा शिक्षित हो जाए, अच्छा रहें, अच्छा पढ़ें, हम तो पढ़ाने नहीं जा सकते ना दूसरे जगह, तो यहाँ गांव में पढ़ाएं पढ़ेंगे ऐसे बोल के गांव के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। क्या नाम है? संतराम, हमारा काम है सर। हाँ, हमन मन गांव तरफ ले संचालन कराथन, बच्चा मन के बारे में कोई तो सरकार नहीं सुने, तो हमन स्कूल पे बनाए हन पैसा में। हाँ, गांव तरफ ले चांदा करके। हाँ हाँ चांदा करके।
कितना साल से चला था? 3-4 साल हो गए। हाँ, अब सवाल इस बात का उठता है कि सरकार जो बड़े बड़े लाख दावे करती है और शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट घोषित किया जाता है, तो उस बजट का क्या हो रहा है? सवाल ये भी उठता है कि जब आपको जनता से वोट चाहिए होते हैं, तब आप जनता के द्वार पर पहुंचकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। वो जनप्रतिनिधि कहाँ है जो बड़े बड़े दावे कर जनता से फिर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं? ऐसे में सवाल इस बात का भी उठता है कि क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। सवाल ये भी उठता है और चीख चीख कर मासूमों का भविष्य भी पूछ रहा है, कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि और हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है और हमारे भविष्य को क्या ऐसे ही संवारा जाएगा? तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। एक तरफ सरकार पढ़ाई को बेहतर बनाने आत्मनंद जैसे स्कूल का मॉडल तैयार कर रही है, दूसरी ओर जनजाति के लोग आज भी सरकार की इस फैसिलिटी से लैस हैं, संस्था से कोसों दूर बसे हैं। वजह जो भी हो, पर अब तक प्रशासन से इचरादी की दूरी सिस्टम का मुंह चिढ़ा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार भी मौन धारण किए हुए हैं। अब देखना और समझना ये होगा कि कब तक शासन और प्रशासन इन लोगों की समस्या का समाधान कर पाता है। देखना और समझना ये भी होगा कि सरकार कब तक कदम उठाकर इन मासूमों के लिए पक्के स्कूल का निर्माण करवाती है। गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।